नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। अयोध्या सज धज कर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। प्रभु के आने का सभी भक्तों को इंतजार है। देखिए अयोध्या से हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। त्रिभुवन विदित अवध जिकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जिकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी तोहर गौआ। रोशनी से रंग बिरंगी मंदिर चमका रहे हैं। वहीं पर संत महात्माओं की जो टोली है भक्ति रस में डूबी हुई है और त्रिभुवन और इसका आनंद लीजिए। अनुराग जी ईश्वर के बहुत भक्त हैं, राम के अनन्य भक्त हैं और राम की धुन पर लगातार उनके संगीत चलते रहते हैं। अनुराग जी, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आज एक शानदार गीतों का कार्यक्रम राम जी के आगमन पर हो जाए। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी तोहर गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी तोहर गौआ, बड़ा निक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपो दलन दो भैया, भरत लखन रिपो हल भन भैया, नाम राम रटे हो, राम नाम रटे जहाँ कोयल और कौआ, राम नाम रटे जहाँ कोयल और कौआ, बड़ा निक लागे राघव जी तोहर गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी तोहर गौआ, बड़ा निक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी तोहर गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी तोहर गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी तोहर गौआ, बड़ा निक लागे। सरयू के किनारे देखिए क्या शानदार नजारा है, क्या पवित्र पावन माहौल है, क्या सरस सलिल सरयू धारा और राम के आगमन की तैयारी और जो स्थितियां हैं उन पर आप देख सकते हैं कि राम जी के आगमन को लेकर कितना कुछ सुहाना मौसम बना हुआ है। ऐसे शानदार माहौल में आप क्या कहेंगे? राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगा, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगा, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगा, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगा, मेरे जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज मिट जाएंगे राम आएंगे।
रहेंगे मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया रामा राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम और क्या कहना है नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया रामा राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया रामा हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो लौकुश के जैसे संतान हमारी हो लौकुश के जैसे संतान हमारी हो राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया रामा राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया रामा राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया रामा राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया रामा राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया रामा जय हो सिया राम राम सिया राम राम सियावर रामचंद्र जी महाराज की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भक्ति का माहौल राम आएंगे और सबको राम के आने का इंतजार है कुछ ही दिन बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर के उद्घाटन के लिए और भक्ति रस में सराबोर अयोध्या की नगरी के हमारे संत उनके आगमन में भक्ति रस में लीन हैं और राम की महिमा को गाते हैं राम को जीते हैं राम को ही सोचते और देखते हैं तो राम करोड़ों लोगों की आस्था के जो विराजमान है रामलला वो उनका पदार्पण होने वाला है करोड़ों लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा से पहले भक्ति नगरी अयोध्या में लगातार संगीत रैली बहती चली जा रही है हम लोग भी बहुत खुश हैं कि हमारे राम जी आ रहे हैं और पहले तो कहा जाता था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे लेकिन अब तो तारीख भी पता चल गई है और 22 जनवरी को हमारे सरकार विराजमान हो रहे हैं राम लला सबका उद्धार करते हैं पत्थर को छूकर मुक्ति दे दी अहिल्या को राम मर्यादा पुरुषोत्तम जिनका चरित्र दुनिया का सबसे बड़ा आदर्श रहा है जिनके करोड़ों अनुयायी हैं उनकी हर एक चीज सीखने लायक है अयोध्या राम के रस में सराबोर है आज राम की पैड़ी पर ये रसधारा लगातार बहती रहे जो प्रेम गली में आए नहीं जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने जो
प्रेम गली, जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता चाहिए, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। राम की गली में राम के आगमन पर अयोध्या में भक्तमयी रसधार बह रही है, संगीत बह रहा है, और इस संगीत में जो सुर लहरिया है वो आनंदित करती है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है काशी भी सजा देंगे, अयोध्या भी सजा दी है काशी भी सजा देंगे, मेरे राम कृपा कर दो घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम के नाम पर दूर दूर से लोग चलकर आए हैं, न उनको ठंड लगती है ना उनको
बस ईश्वर की आराधना में इतनी मस्ती और इतना आनंद मिल रहा है, अपना घर परिवार छोड़कर लोग आज अयोध्या में उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए आए हैं कि जब मंदिर का उद्घाटन होगा, 30 साल से ज्यादा लंबी लड़ाई, 30 साल से ज्यादा जो लंबी लड़ाई कानूनी लड़ने के बाद आज मंदिर के निर्माण का अवसर आया है, उस अवसर को हर कोई चाहता है कि अपनी आंखों से देखे और जाने कि अयोध्या क्या संदेश दे रही है इस देश में, इस दुनिया को राम क्या महत्व रखते हैं हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों को जन्मों जन्मों तक राम मार्ग दिखाते रहेंगे, उनके प्रति लोगों की आस्था ऐसी बनी रहेगी। लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान एक ऐसा रूप है जिन्होंने लोगों का उद्धार किया, करोड़ों लोगों का एक आदर्श जीवन जिया और उनके आगमन को लेकर अयोध्या में सुनवाई जारी रहेगी। बने रहिए भारत समाचार के साथ, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप अयोध्या से देख रहे थे हमारी खास पेशकश। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ।